बड़ी खबर है जोधपुर से, जेएनवीयू पेपर लीक से जुड़ा मामला और अपडेट आप जान लीजिए इस मामले में कि छात्र नेता राजवीर बाता को जेएनवीयू प्रशासन ने निलंबित किया था। मामले को लेकर एबीवीपी के प्रदर्शन, जेएनवीयू केंद्रीय कार्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है और पुलिस से भी ये कार्यकर्ता उलझे हैं। पुलिस ने भी फटकारे, डंडे पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्र नेता आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक मामले को दबाने के लिए प्रशासन ने निलंबित किया है। तो छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले को दबाने के लिए निलंबन की कार्रवाई की गई है, निलंबन किया गया है। ये बड़ी अपडेट है जेएनवीयू पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। मामले में छात्र नेता राजवीर बाता को जेएनवीयू प्रशासन ने निलंबित किया था और इसी निलंबन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पेपर लीक मामले को दबाने के लिए निलंबन किया गया है, मामले को लेकर एबीवीपी के प्रदर्शन किया गया है और जेएनवीयू केंद्रीय कार्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है, पुलिस से भी उलझे हैं ये कार्यकर्ता और पुलिस ने इन पर डंडे फटकारे हैं और इस मामले को लेकर अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस से भी उलझे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कहकर कि पेपर लीक मामले को दबाने के लिए ही प्रशासन ने निलंबन किया है। और मेरे सहयोगी भवानी का मैं रुख करना चाहूंगी ज्यादा जानकारी लिए, इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है भवानी। एबीवीपी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस से भी उलझे हैं और अब तो आरोप लगा रहे हैं ये कहकर कि निलंबन इसलिए किया गया ताकि मामला दबाया जा सके। भवानी देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया था, 21 अप्रैल को जेएनयू में परीक्षा थी और जो एबीवीपी कार्यकर्ताओं है उनका आरोप था कि 21 तारीख का जो पेपर था वो सुबह 9 बजे और 10 बजे के आसपास में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जबकि परीक्षा का जो समय था वो 11 बजे के था। उन्होंने इस मामले में जेएनयू प्रशासन पर पेपर लीक होने का आरोप लगाते और मिलीभगत का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और इसके बाद में जेएनयू प्रशासन ने जो है छात्र नेता है राजवीर बांता उसको निलंबित कर दिया और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो छात्र नेताओं का आरोप है कि जेएनयू प्रशासन पेपर लीक मामले की जांच नहीं करना चाहता और जो मिलीभगत है, जो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा उन छात्र नेताओं पर दबाव बनाने के लिए उसे निलंबित किया गया। इसी मांग को लेकर के आज जो है तमाम एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन की सूचना के बाद में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया और इस दौरान पुलिस और छात्र जो है उनमें धक्कामुक्की शुरू होगी, पुलिस को डंडे फटकारने पड़े और मौके पर जो है बैरिकेड लगा करके फिलहाल जो पुलिस मौके पर तैनात है और जो छात्र नेता है वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। भवानी, गंभीर और आरोप लगाए जा रहे हैं एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रशासन पर ये कहकर कि मेरा निलंबन इसलिए किया गया है ताकि इस मामले को दबाया जा सके, ऐसे में जवाबदेही प्रशासन के सामने आई अब तक, जवाब कोई प्रशासन की ओर से? देखिए, जब इससे पहले भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो उनका आरोप था सीधे तौर पर कि यहाँ पर कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कुलपति की बात करें या फिर रजिस्ट्रार की बात करें, वो दोनों ही वहां पर मिले नहीं छात्र नेताओं से। इसके बाद में ये कार्रवाई की गई, छात्र नेता को निलंबित किया गया और इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और इनका सीधे तौर पर आरोप है कि मामले की मांग उठाने के साथ ही जेएनयू प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया, लेकिन कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया गया है उन पर भी पेपर लीक में कहीं ना कहीं मिलीभगत का आरोप को एबीवीपी कार्यकर्ता लगा रहे हैं। हालांकि मामला गंभीर है, प्रशासन को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए और जो छात्र हित में ध्यान में रखते हुए उनकी जो मांगे हैं उस पर कोई ना कोई उचित समाधान निकालने की जरूरत है, ताकि इस तरह के आरोप समय समय पर पहले भी जो जेएनयू प्रशासन है उसको लगते रहे और एक बार फिर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया। अब काबिले गौर होगा भवानी के आगे अब एबीवीपी कार्यकर्ताओं का क्या रुख रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका भवानी तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच